अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ ही रहिए, पूरी वीडियो आपने वाच करनी है क्योंकि आज हम आपको मनाल की तरफ लेके जा रहे हैं, मनाल की सैर कराने लगे हैं। व्यूअर्स, हमने सोचा कि क्यों ना बच्चों को घुमाया फिराया जाए। लॉकडाउन खुल चुका है और लॉकडाउन से तंग आई हुई आवाम, कोरोना से तंग आई हुई आवाम, आप देखिए रास्ते में रश भी अच्छा खासा था कि लोग घरों में मैसूर होकर रह गए थे। तो हमने सोचा कि चले हम भी बच्चों के साथ आउटिंग पे चलते हैं। हम लोग घर से काफ़ी चीज़ें घर से बनाकर लेकर गए और बारबेक्यू का हमारा प्लान था कि हम वहाँ पे जाके बारबेक्यू करेंगे। और व्यूअर्स, बदकिस्मती से हमारी एक गाड़ी, जो कि हमारा पूरा कारवां जा रहा था गाड़ियों का, और हमारी एक गाड़ी जो थी वो थोड़ी सी मसला कर गई, जिसकी वजह से हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि हम मनाल ऊपर बहुत हाइट पर नहीं जाते, बल्कि जहाँ पर हमारी गाड़ी ने मसला किया हमने वहीं पर स्टे डाल लिया था। और देखते हैं, आपको दिखाते हैं कि हमने कहाँ पर स्टे डाला था। बहुत अच्छी जगह थी, ज़बरदस्त जगह थी जहाँ पर हमने स्टे किया। और लेकिन आप लोग पहाड़ी रास्ते को एंजॉय करें, क्योंकि जब हम पहाड़ों का रुख करते हैं तो आपको पता है कि आबोहवा बहुत ज़बरदस्त होती है मैदान की निस्बत, और ठंडी ठंडी हवाएं भी चलती रहती हैं। तो व्यूअर्स, ये देखें, लोग देखें, रश देखें, लोग बड़े, जो भी हमें मिला बड़ा खुश नज़र आ रहा था, क्योंकि सबको कैद से लगा जैसे कि रिहाई मिल गई। तो व्यूअर्स, हमने एक जगह पर जनाब स्टे किया, वहाँ पर हम मैरिनेटेड चिकन हमारे पास था, हमने उसको जो है वो सीखों पर लगाया, और बारबेक्यू के लिए जनाब हमने आग लगाई, और बारबेक्यू तैयार करने के लिए हमने सारे बंदोबस्त किए हुए थे। और जैसा कि आपको पता है कि गाना आपने सुना होगा, छड़ें दी आग ना बले, तो छड़ों से आग जलती नहीं है, इसलिए मुझे खुद मजबूरन वहाँ जाना पड़ा वो आग को सेट करने के लिए, सारे मामलात को देखने के लिए। और चिकन की मैंने आपको रेसिपी बताई हुई है, सेम उसी तरीके से हम मैरिनेट करके लेकर गए, और हमने ज़बरदस्त किस्म का बारबेक्यू तैयार किया, और साथ हम बच्चे का झूला भी लेकर गए हुए थे ताकि बच्चे जो हैं वो बच्चे भी इंजॉय कर सकें। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पर बंदरों ने हमला कर दिया। बंदरों ने समझा कि शायद ये हमारे घरों पर जो है वो काबिज होने के लिए आ गए, तो इसलिए हमने झूले को फौरन उतार दिया। और ये देखें, हमारा जनाब बारबेक्यू तैयार, और बारबेक्यू के हैवी खाने के बाद जनाब कैसे हो सकता है कि कहवा ना पिया जाए। तो हम इसका भी सामान लेकर गए हुए थे, हमने कहवा तैयार किया, हम अब छोटी सिलेंडरी पास रखी हुई थी जनाब, कहवे के सारे लवाजमात हमारे पास थे, पेपर कप्स थे, सब कुछ था। तो हमने कहवा भी पिया और म्यूज़िक भी था। ये देखें, आप भी म्यूज़िक इन्जॉय करें, और मेरी वीडियो को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। और व्यूअर्स, मारगला हिल से वापसी पे, और दामने को पीर सुहावा और मनाल से वापसी पे, चूँकि रात हो गई थी, तो आप प्लीज़ मनाजर देखिए, रात के मनाजर हैं ये, और इस्लामाबाद सिटी के मनाजर हैं, बहुत दिलकश नज़ारे हैं कुदरत के, और सितारे ज़मीन पर हैं और हम लोग भी ज़मीन पर आ रहे हैं। आप लोग इन्जॉय करें और कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।